करना चाहिए आरटीओ साहब को। नंबर सबसे पहला मकसद इसलिए नहीं रजिस्ट्रेशन हो रही हैं क्योंकि ये डबल टैक्सेशन हो रही हैं गाड़ियों की। मसलन हम गाड़ी लेते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, हम i20 गाड़ी खरीदते हैं हम दिल्ली में, सपोज़ ये 10 लाख की गाड़ी है, जो बंदा वहाँ का दिल्ली का लोकल खरीदता है ये, वो 9% के हिसाब से 90,000 रुपये इसको दे देता है, मगर जब मैं जाता हूँ वो 8 साल के बाद उसको मुझे बेचता है, तो मैं वहाँ से लाता हूँ गाड़ी, वो कहते हैं फिर यहाँ का हम आरटीओ एनओसी में लेके आता हूँ, फिर यहाँ का जो आरटीओ साहब है या उनका ऑफिस है वो कहते हैं आप जो 8 साल के बाद जो 7 साल बचे हैं उनका आप 9% के हिसाब से आप टैक्स जमा कर दीजिए, मगर जो दिल्ली का लोकल है जिससे हमने गाड़ी खरीदी है उसने तो पहले से ही लाइफ टाइम गाड़ी का टैक्स भरा है, हम कैसे डबल टैक्स देंगे। यही हम कह रहे हैं मसला इसीलिए बहुत रजिस्ट्रेशन भी कम हो रही है, अगर ये करेंगे और नॉमिनल चार्जेस करेंगे जिस तरह से दूसरे स्टेटों में हैं, सपोज महाराष्ट्र की गाड़ी दिल्ली में जाती है उसमें ये है कि वो वहाँ पर 600 रुपया नॉमिनल चार्ज लेते हैं री रजिस्ट्रेशन को, इसी तरह हम भी हमारी मांग यही है कि री रजिस्ट्रेशन के लिए आप नॉमिनल चार्जेस लिए, यहाँ पर भी नॉमिनल चार्जेस होता था 600 रुपया पहले, आज से 10-15 साल आप वही लागू कीजिए, वही आप इम्प्लीमेंट कीजिए उसी के साथ, उस तरह से जल्दी जल्दी सबकी रजिस्ट्रेशन होगी, अगर कोई कहीं जगह रोड एक्सीडेंट होता है कुछ होता है उसमें आपको जल्दी ट्रेस आउट हो जाएगा कि भाई ये बंदा किसके नाम पर है गाड़ी किसके, यही मुद्दा और मकसद है। चार्जेस मिनिमम नॉमिनल चार्जेस होने चाहिए, मेन मकसद हमारा यही है।